पहले गुलपोशी होगी, उसके बाद हकीम साहब, फराद हकीम साहब जो पूरे कलकत्ता को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और सुकून से चलाने का काम कर रहे हैं, जो अपने आप में सियासत की दुनिया में एक मुनफरिद पहचान रखते हैं, जिसे हम लोग वेलकम 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 जिंदाबाद 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 सामने ना चढ़ बैठ दीदी दीदी फरार हकीम साहब एक सियासत के दुनिया के ओ मैडम तू जाओ ना वो बहुत जो आज एक से बढ़कर एक सियासत के सूरमा आज मोती झील के मंच पे उपस्थित हुए हैं, इसमें नस्सू भाई, कलीम भाई का बहुत योगदान है, उनके साथ जितने भी तृणमूल कार्यकर्ता हैं, तृणमूल कांग्रेस के, उन लोगों का जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। और कलीम भाई मैं इतना ही कहूँगा, फराद हकीम साहब जो कलकत्ता के मेयर हैं, मैं इनको इतना ही कहूंगा कि फराद हकीम साहब आए हैं, नई रोशनी लाए हैं। फराद हकीम साहब नहीं, ये आंधी है, पूरा पश्चिम बंगाल का गांधी है। और मत पड़िएगा चक्कर में, कोई नहीं है चक्कर में, अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। किशोर कुमार कहते थे कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातें, तृणमूल कांग्रेस में रहना, तृणमूल कांग्रेस में रहना, तृणमूल कांग्रेस में रहना, कुछ दूर हमारे साथ चलो, हम अपनी जुबानी कह देंगे, मिला जो सहयोग आपका इतिहास बदल कर रख देंगे। इसीलिए आज जो सियासत के एक से बढ़कर एक सुरमा मोती झील के स्टेज पे उपस्थित हुए हैं, ये नस्सू कलीम भाई का महीनों दिन का मेहनत है। बस मैं इतना ही कहूंगा। और फराद हकीम साहब के साथ में अगर बोलना समझिए सूरज को आईना दिखाने के बराबर है, मैं एक सेल्फी लूंगा। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मेरे बड़े भाई, बहुत दिन से हम लोग एक साथ काउंसलर थे, एक साथ एमएलए हैं, स्वर्ण कमल शाह जी जिसने हमें यहाँ पर बुलाए हैं, अर्पण शाह साहब, मेरे बहन दीपाली दास, फरीद भाई हमारे पार्टी के बहुत एक्टिव माइनॉरिटी लीडर हैं, हमारे नसीम भाई, कलीम भाई, माना ये ट्रेड यूनियन के बड़ी लीडर, और आप सब जो यहाँ पर आज हाजिर हैं। कल ही रात को स्वर्ण कमल शाह जी ने हमें हुक्म दी जो यहाँ पर आपको आज रूबरू होना है, और बड़े भाई के हुक्म हम टाल नहीं पाए और यहाँ पर हम आज आपके सामने रूबरू होने आ गए। 56 नंबर वार्ड में हमने स्वपन समाचार के इलेक्शन कैंपेन में आया था, आप सबने प्यार से हमारे उस दिन का जो आपके सामने हमारा रिक्वेस्ट था, जो आप तृणमूल को वोट दिए, इस हाथ इस इलाका में बढ़ के वोट दिया,
और हमारे तृणमूल कांग्रेस खुश नसीब है जो आपके प्यार और मोहब्बत हमेशा हमें हासिल हुआ। आलीशान पार्टी ऑफिस भी यहाँ पर है, हम देख रहे हैं कैसे बनाया जाएगा, हमारे इलाका में भी बनाएंगे, इसी को कॉपी करेंगे और इंशाल्लाह ताला ऐसे ही आपके साथ हमारे तृणमूल कांग्रेस के रिलेशन ऐसे रहे, ये मैं परवरदिगार से दुआ। दादा का तो यह दादा ही है, दादा का हुक्म से तो हम आए। खैर आज ये ब्लड डोनर मेगा ब्लड डोनेशन कैंप, ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन कैंप, हेल्थ चेकअप कैंप, ज्वाइंट पेन घुटना की दवा दर्द और शुगर कैंप, स्किन कैंप, कितने सारे कैंप हैं। क्यों क्यों तृणमूल कांग्रेस ने हर जगह ब्लड डोनेशन क्यों कर दिया, क्यों इंसान के सहूलियत के लिए, क्यों हेल्थ कैंप से लेके वगैरह वगैरह करते रहते हैं, क्यों? ये तो एक पॉलिटिकल पार्टी है, हम तो पॉलिटिकल तकरीर करेंगे, पॉलिटिकली आपको समझाएंगे, बड़ा जोश से करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे और चले जाएंगे। नहीं, तृणमूल कांग्रेस के वजीर आला ममता बनर्जी ये चाहती है जो तृणमूल कांग्रेस इंसान के खिदमत के लिए रहे। जरूर ये पॉलिटिकल पार्टी है मगर हमारे पहचान है आपके साथ रह के आपके खिदमत करना, ये हमारे लिए। ममता जी बार बार हमें कहती है, हाँ तुम सियासत संभालते हो, कलकत्ता के मेयर हो, हमें आज हम सियासत एडमिनिस्ट्रेशन में है, आज हम सत्ता में हैं, मगर सत्ता में रहना हमारे लिए बड़ी बात नहीं है। हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें खिदमत करने का मौका दिया और दिलो जान से वो खिदमत करना, और इंशाअल्लाह ताला ये खिदमत जब तक तृणमूल कांग्रेस है, उनके हाईकमांड ममता बनर्जी है, तब तक ये खिदमत इंसान के लिए ममता बनर्जी और उनके पार्टी करते रहे। जब खून लेने के बात करते हैं मोदी जी, आज ब्रिटिश न्यूज में निकला है जो दहशत कैसे गुजरात में किया गया, कैसे दहशत कर दिया, ये यहां ने इंग्लैंड में निकला है, तो मोदी जी सरासर ये दहशत में थे। उस समय बार बार बोला गया था जो नहीं वो नहीं थे, ये अमित शाह जी ने कराया, नहीं वो खुद थे, ये इंग्लैंड के, हमारे न्यूज नहीं, इंग्लैंड के न्यूज से कहा गया। और वहां पर 2000 कत्लेआम हुआ था उस समय, कुछ ही दिन पहले दिल्ली में 52 आदमी को मार दिया, यूपी में मार दिया जा रहा है। जब तुम खेल रहे हो खून के होली, तब तृणमूल कांग्रेस दे रहा है अपना खून इंसान की खिदमत के लिए, इंसान के जान बचाने के लिए। जब तुम ले रहे हो जान, हम चार दिलो जान से कोशिश कर रहे हैं एक एक जान बचे, इसलिए अपना खून देने के लिए यहाँ पर सोए हैं। यही हमारे तृणमूल कांग्रेस के साथ दूसरे पार्टी का यही फर्क। और आपसे क्या मांगू, आप तो दुनिया भर का प्यार दे चुके हैं, ये तो आपके भरोसा में। बहुत सारे ऐसे आ रहे हमारे सीपीएम के दोस्त, अरे देखो भांगूर में कल लाठी चलाया है, सुनारण में लाठी चलाया है। हम बोले भैया जो नफरत के राजनीति करेंगे, जो हिंसा करेंगे, जो खून खराबा करेंगे, उनको तो हम लॉलीपॉप नहीं देंगे। अगर तुम्हें रास्ता में खड़ा होकर गंडोगोल करना है, कानून को तोड़ना है, तो लाठी भी खाना है, क्योंकि
ये तृणमूल के खिलाफ एक बड़ा साजिश हो रही है। बीजेपी अच्छी तरह जानती है जो तृणमूल कांग्रेस को हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, ये अच्छी तरह जानती है बीजेपी। इसलिए कभी वैसी को बुला के लेते आती है, कभी ये IMF, कभी ये, कभी वो करके तृणमूल का बेस को तोड़ो। अरे मुसलमान तृणमूल के साथ है, उसे भड़काओ, उसको हटाओ। हम बोला नहीं, ना मुसलमान हटेगा ना हिंदू हटेगा, तृणमूल के साथ हर सेक्युलर फोर्स वो तृणमूल के साथ रहेगा और तृणमूल के साथ वो हमेशा रहेगा। क्योंकि हम दिल से चाहते हैं कि फिरका परस्ती को नफरत करते हैं, हर तरह का फिरका परस्ती, हर तरह के फिरका परस्ती, हर तरह के कॉमनलाइजेशन। आप क्या करिएगा नौशाद साहब, आप क्या करिएगा, लड़ सकिएगा बीजेपी के खिलाफ? आप इंडियन सेक्युलर फ्रंट करके भड़का रहे कुछ दाढ़ी वाला को ले आके, लड़ सकिएगा? मोदी अमित शाह को उस समय रोकने का ताकत आपके अंदर में है? नहीं है। आप कुछ हमारे वोट काट के उनके लिए सहूलियत कर दे रहे हैं उनको आने के लिए, यही तो काम आप। इसके खिलाफ हमें लड़ना है, हमें एक साथ मिलके सब सेक्युलर फोर्स को एक साथ रह के फिर क्या परस्ती बंद करना, और इंशाल्लाह ताला अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह हमारे साथ है। हम सब मिलके इस बंगाल को कभी गुजरात होने नहीं देंगे, कभी यूपी होने नहीं देंगे, कभी मुजफ्फरबाद होने नहीं देंगे, कभी MP होने नहीं देंगे। बंगाल बंगाल रहेगा, क्योंकि ये बंगाल मौलाना अबुल कलाम आजाद का बंगाल है, ये बंगाल हमारे रविंद्रनाथ टैगोर के बंगाल है, ये हमारे श्री श्री अरविंदो के बंगाल है, ये स्वामी विवेकानंद के बंगाल है, ये ठाकुर श्री रामकृष्ण के बंगाल है, ये बंगाल हमारे नजरुल इस्लाम के बंगाल है। इस बंगाल में हम हर समय बोलते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम सब हैं भाई भाई, हम सब हैं भाई, ये हमारे बंगाल है। हम सब एक साथ रहते हैं, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, ये हिंदुस्तान हमारा, ये हिंदुस्तान हमारा है, ये हिंदुस्तान उनके बाप का नहीं है, ये हमारे हिंदुस्तान है, ये हमारे मुल्क है। और ये मुल्क के लिए हम अपना जान भी दे सकते हैं, ये मुल्क हमारा है, इसलिए मुल्क में सर उठा के जीने का हक भी हमारा। एक अल्लाह के सिवा किसी के सामने सर नहीं झुकाएंगे, ये सर कट सकता है मगर झुक नहीं सकता। इंशाअल्लाह ताला जिनने आज खून दिया उन्हें मुबारकबाद देते हैं। ये खून इसमें भी ये आज वो कल आ रहे ना मोहन भगत साहब, उनको कान पकड़ के यहाँ ले आइए, बोले देखो ये खून दिया जा रहा है, किसका खून? स्वर्ण पकड़ लीजिए, स्वर्ण कबल साहब के खून और कलीम साहब के खून, कलीम साहब के खून, ये दोनों खून ब्लड बैंक में जा रहा है। जब खून ब्लड बैंक में चले गया, कौन स्वर्ण कमल शाह के खून है और कौन कलीम के खून है कोई नहीं जानता। जैसा गब्बर सिंह बोला ना, इस कौन खाप में गोली है कौन खाप में नहीं है, ऐसा ये खून किसका है कोई नहीं जानता। इसका पहचान हो जाएगा ओ पॉजिटिव, AB पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, इसका ग्रुप से इसका पहचान हो जाएगा। ये हो सकता है अमित शाह जी का कभी तबीयत खराब होगा तो कलीम साहब का खून ब्लड बैंक घूम के अमित शाह या भगत साहब या कोई मंदिर का पुजारी उनके खून से मिल गया, उन्हें दिया गया। उल्टा भी हो सकता है, स्वर्ण कमल शाह के खून ब्लड बैंक होके जाके हमारे ये जो
आज मजहबी बात करते हैं ना, ये नौशाद सिद्दीकी साहब और हमारे कोई इमाम साहब उनके बॉडी में जा सकते हैं। इसका मतलब एक इंसान के खून दूसरे इंसान के काम में आ रहा है, ये इंसानी ताल्लुकात है। मजहब दिल में है, मजहब रूह को पाक करता है, मगर इंसानी ताल्लुकात ये अल्लाह को खुश करता है। और यही काम आप कर रहे हैं, इसलिए आप सबको मुबारकबाद दे देते हैं कि यहां पर आए हैं। आप सब अच्छे रहिए, रोशनी सूरज से होती है चांद से नहीं, मोहब्बत सिर्फ ममता से होती है और किसी से। खुदा हाफिज़। जय हिंद। तृणमूल कांग्रेस जिंदाबाद। ममता बनर्जी जिंदाबाद। शुक्रिया हमारे मंच जनाब।